नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS महिसैनी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में जो आयुष की काउंसलिंग हो रही है, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, यूनानी की और BNYS की। BNYS की 1 तारीख को काउंसलिंग होगी, ठीक है। बाकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड कम्प्लीट हो चुका है, तो लास्ट चांस है, लास्ट चांस टू रजिस्ट्रेशन आयुष काउंसलिंग 2019, ठीक है। तो लास्ट चांस टू एडमिशन BAMS, BUMS, BHMS, VNYS। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट को कमेंट आया कि सर हमने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्या हम बाद में कभी भाग ले सकते हैं, क्या हमें मौका मिलेगा? तो वह आपको मौका मिला हुआ है, आपको रिवाइज्ड शेड्यूल में आपको टाइम दिया गया कि कब से कब रजिस्ट्रेशन होंगे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, कौन सी डेट को स्टार्ट होंगे, कितनी सीटें वैकेंसी, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखो www.rajugpgayushcounseling.in पर, इस साइट पे ध्यान से सुनिएगा, www.rajugpgayushcounseling.in पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जिन स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पहले फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में उन्होंने भाग नहीं लिया और आयुष काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, आयुर्वेद में भाग लेना चाहते हैं, होम्योपैथी में भाग लेना चाहते हैं, यूनानी में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए गोल्डन चांस है। देखो फर्स्ट चरण हो गया 6 तारीख को, सेकेंड चरण भी हो गया, अब नवीन मोपअप राउंड होगा कहाँ, तो मोपअप राउंड की डेट कितनी है 30 तारीख। तो इसमें क्या सूचना दे रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ एक एक। नवीन स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 26 सितंबर 2019 1 AM से 27/9/2019 11:50 PM तक आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्व में पंजीकृत स्टूडेंटों को पुनः पंजीकरण नहीं करवाना है, जिन्होंने पहले फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया था काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोपअप राउंड में भाग लेने के लिए जो नवीन स्टूडेंट हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 रुपये, जो साइट पर दे रहा है आपको, जितनी आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आई होप आपको गोल्डन चांस मिला हुआ। कितनी सीटें वैकेंस है मैं आपको बता दूँ, कम से कम 150 से 200 सीटें वैकेंस है NRI कोटे की, VNYS की कस्म में कम से कम 5 से 5, जितनी भी सीटें 467 वो सीट, सारी सीटें वैकेंस हैं, ठीक है। तो गोल्डन चांस है, जो स्टूडेंट पहले किसी कारणवश रह गए थे, उनकी रैंक भी अच्छे हैं, मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन किसी कारणवश फॉर्म नहीं फिल कर पाए कि डेट निकल गई, तो उनके लिए गोल्डन चांस आया कि वो 26 तारीख और 27 तारीख को 2 दिन आपके पास हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और काउंसलिंग भाग ले सकते हैं। अब देखो NRI कोटे की 150 सीटें हैं, इसमें होम्योपैथी कितनी है, आयुर्वेद की कितनी है, सब आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि NRI कोटे का जो काउंसलिंग थी वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 2 ही स्टूडेंट NRI कोटे से एडमिशन ले रहे हैं, बाकी सारी सीटें सामान्य कोटे से भरी जाएंगी, तो उनकी मैं अपडेट अगले वीडियो में दूंगा। तो इसलिए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप इसको साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज शेड्यूल है। तो आपको जो आपके दोस्तों ने पहले फॉर्म नहीं फिल किया था, उनके आप जो ये आप देख रहे हो वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।